हम पिकटो ब्लॉक्स जो कि स्क्रैच की तरह की सॉफ्टवेयर है इसमें मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सीखते हैं हम जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे वो स्टूडेंट्स के फाइनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स प्रेडिक्ट करेगा और ये प्रडिक्शन जो है ये कुछ वेरिएबल्स पर आधारित होगी जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म के मार्क्स और स्टूडेंट्स के सेकेंड टर्म के मार्क्स ये इनपुट वेरिएबल्स के बेसिस में हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रडिक्ट करेगा कि इस स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता है हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अल्गोरिदम फीड करते हैं और फिर कंप्यूटर इस डेटा को अल्गोजम के बेसिस पर बहुत फटाफट प्रोसेस करके हमारे को डिज़ायर्ड आउटकम दे देता है पर मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर में डेटा और कुछ सैम्पल रिजल्ट इनपुट करते हैं और फिर कंप्यूटर जो हमने डेटा एंटर किया होता है उसको बार बार प्रोसेस करके उसमें पैटर्नस और रिलेशनशिप्स ढूंढता है और ऐसी रिलेशनशिप ढूंढने के बाद वो फिर एक अल्गोरिदम खुद से जनरेट करता है तो मेन डिफरेंस क्या है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कंप्यूटर का अल्गोदम हम देते हैं मशीन लर्निंग में कंप्यूटर अल्गोरिदम अपने आप ढूंढता है और जब ये अल्गोरिदम जनरेट हो जाता है तब हम इस मशीन लर्निंग मॉडल में नया डेटा डालकर उस डेटा से रिलेटेड जो भी प्रडिक्शन या आउटकम है वो निकाल सकते हैं जैसे इस केस में हम फाइनल एग्जाम के मार्क्स पता करने के लिए जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं वो है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या थी आवर्स ऑफ स्टडी कितने थे टर्म वन में मार्क्स कितने आए थे टर्म टू में मार्क्स कितने आए थे पर हम साथ ही अपने मॉडल को कुछ सैम्पल फाइनल रिजल्ट भी दे रहे हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आए थे और फिर कंप्यूटर इस डेटा को बार बार प्रोसेस करके इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है ये खुद ढूंढता है और जब एक बार वो मॉडल जनरेट हो जाता है तब हम फिर इस मॉडल में कुछ नए डेटा पॉइंट्स इनपुट करते हैं और इन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से फिर कंप्यूटर जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि इस नए डेटा पॉइंट्स का फाइनल रिजल्ट क्या होगा मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं इनमें से मेन होते हैं सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग और री लर्निंग हम मार्क्स प्रडिक्शन मॉडल में सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करेंगे सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है कि हम कुछ सैम्पल रिजल्ट मॉडल में इनपुट करेंगे जिनके बेसिस पे फिर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा और हम सुपरवाइज लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक्स में लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि दो पैरामीटर्स या दो वेरिएबल्स जो हैं उनकी रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन से डिपेक्ट होती है तो दो वेरिएबल्स आपस में ऐसे रिलेटेड हो सकते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और उसके बढ़ने की रेट अलग अलग हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में लाइन का स्लोप बहुत स्टीप है यानी कि अगर एक हमारा एक्स वेरिएबल थोड़ा बढ़ता है तो वाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या एक और लीनियर रिल, रिलेशनशिप हो सकती है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और अगेन उसका रेट जो है वो चेंज हो सकता है या फिर लीनियर रिलेशनशिप हो सकती है कि एक वेरिएबल बढ़ता भी है तो उसका कोई भी दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट नहीं होता है इसके अगेंस्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉन लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है दो वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं डिपेक्ट हो सकती वो फॉर एग्जाम्पल पैराबोला हो सकता है पहले जब एक वेरिएबल बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था पर कुछ टाइम बाद एक वेरिएबल तो बढ़ता रहा पर दूसरा वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू कम आने लगी या फिर बिल्कुल अलग रिलेशनशिप हो सकती है एक वेरिएबल बढ़ता रहता है मगर दूसरा वेरिएबल कभी बढ़ता है कभी घटता है और घटने बढ़ने का रेट भी डिफर करता रहता है मार्क्स प्रडिक्शन मॉडल में लीनियर रिग्रेशन कैसे यूज हो सकता है नेक्स्ट ये समझते हैं तो मान लिया जाए आपके पास ये डेटा है दस स्टूडेंट्स के टर्म वन में कितने मार्क्स आए थे क्या ये डेटा यूज़ करते हुए आप कुछ प्रडिक्शन कर सकते हो कि इन स्टूडेंट्स के फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे ऐसी प्रडिक्शन करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़ाम्शन बना सकते थे ये तो टर्म वन का एग्ज़ाम थे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करेंगे इसलिए इनके टेन परसेंट ज़्यादा मार्क्स आएंगे यानी कि यहाँ पर हमारा प्रडिक्शन एल्गोरिदम है टेन परसेंट मोर मार्क्स दैन टर्म वन मार्क्स अब मान लिया जाए हमारे को बाद में एक्चुअल रिजल्ट्स मिलते हैं कि इनके फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स आए कितने थे इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं अपनी प्रिडिक्शंस के बारे में हम अपनी प्रिडिक्शन और एक्चुअल जो रिज़ल्ट था उसको कंपेयर करते हुए हम हर प्रडिक्शन का एरर कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टूडेंट वन के लिए प्रडिक्ट किया था कि उसके 55 मार्क्स आएंगे पर एक्चुअली उसके 65 मार्क्स आए यानी यहाँ हमारा एरर था माइनस टेन वैसे ही स्टूडेंट टू के लिए हमारी प्रिडिक्शन थी 61 मार्क्स उसके 60 मार्क्स आए हम एक नंबर से गलत थे प्लस वन एरर था यहाँ पर तीसरे स्टूडेंट uh, में हम एक्चुअली स्पॉट ऑन थे जो हमने प्रिडिक्ट किया था उतने ही मार्क्स आए थे पर अगर हम स्टूडेंट नंबर फाइव सिक्स या सेवन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एरर जो था वो काफ़ी हाई था सो लेट्स से अब हम अपना अलगोरिदम जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि लेट्स राइट ए न्यू अलगोरिदम जहाँ पर कि टर्म वन से हम 15 परसेंट ज़्यादा मार्क्स प्रिडिक्ट करेंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो अगर हम ये या कोई भी और अल्गॉरिदम बनाते हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला अलगोरिदम बेस्ट है 10 परसेंट मोर 15 परसेंट मोर 50 परसेंट मोर या हो सकता है बिल्कुल ही कोई और अलगोरिदम हम यहाँ पर लगाएं ऐसे कम्पेरिज़न के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स का एरर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पहला मॉडल था 10 परसेंट मोर मार्क्स इसका टोटल एरर और मीन एरर क्या था यहाँ पर हमारी जो एरर वैल्यूज़ हैं हम उनको टोटल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे कुछ एरर जो हैं वो नेगेटिव हैं और कुछ एरर जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जो टोटल एरर है वो उसकी वैल्यू ठीक हो इसके लिए हम एक तरीका हमारा है कि हम अपने एरर की एबसेल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि बिना नेगेटिव साइन के हम उसकी एप्सल्यूट वैल्यू निकालें और फिर इन को हम टोटल अप कर दें तो ये पहले एल्गोरिथम में हमारा टोटल एब्सिल्यूट एरर है 136 और मीन एप्सल्यूट एरर क्योंकि ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स पे बेस्ड है तो डिवाइडेड बाय 10 हमारा मीन एप्सल्यूट एरर है अगर हम कोई भी और मॉडल बनाएंगे तो हम उसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं बाय डूइंग द सेम कि हम उस मॉडल का भी एब्सिल्यूट uh, एरर निकालें और टोटल एब्सिल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कौन सा वाला जो मॉडल है वो बेटर है तो मशीन लर्निंग भी इसी किस्म से काम करती है कि वो कोई अलगोरदम डिराइव करती है और डिफरेंट अल्गोरदम्स का एरर देखती है और एरर को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं मीन एब्सलूट एरर एक तरीका है तो वो एरर कैलकुलेट करके उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है तो ये जो एरर है इसको लॉस या कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं तो हमारे पास ये डेटा सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स के टर्म वन के मार्क्स हैं और फाइनल uh, एग्ज़ाम के मार्क्स हैं तो इनके बेसिस पे हम क्या कुछ और इन्फरेंस भी इस डेटा से निकाल सकते हैं हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो दो डेटा पॉइंट्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं यानी कि कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है ये कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम एक स्कैटर चार्ट बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टर्म वन के मार्क्स और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है फ़ाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स और हम देखना यह चाहते हैं कि क्या इनकी आपस में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है तो हमारे पास ये हमारा डेटा था और इस डेटा को हम इस स्कैटर चार्ट में प्लॉट कर रहे हैं अगर आप स्टूडेंट नंबर वन का देखो तो फिफ्टी मार्क्स आए थे टर्म वन में और सिक्सटी फाइव मार्क्स आए थे फाइनल में तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पहला पॉइंट है और अगर आप नीचे यहाँ देखोगे तो एक और स्टूडेंट के टर्म वन में फिफ्टी मार्क्स आए थे और उसके फाइनल एग्जाम में फिफ्टी सेवन आए थे तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है लाइकवाइज जो बाकी हमारी ऑब्जर्वेशन हैं वो भी यहाँ पर प्लॉटेड हैं इस स्कैटर चार्ट पर अगर हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाते हैं तो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से हम देख सकते हैं कि जो हमारे ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनका आपस में स्लाइटली पॉजिटिव कोरिलेशन है स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है क्योंकि ये जो हमारी लाइन है ये स्लाइटली अपवर्ड स्लोपिंग है अगर ये बहुत अपवर्ड स्लोपिंग होती तो हम कहते बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है और अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती तो हम कहते ये नेगेटिव कोरिलेशन है यानी एक अगर चीज़ ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आती है इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यूज़ करते हुए हम प्रडिक्शन्स कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कोई और स्टूडेंट है जिसके टर्म वन में 70 मार्क्स आए थे उसके फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे तो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस स्टूडेंट के मोस्ट लाइकली फाइनल एग्जाम्स में 72 मार्क्स आएंगे सो दिस इज हाउ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैन बी यूज टू मेक प्रिडिक्शन्स अब मान लिया जाए कि हमारे पास एक और डेटा सेट है जहाँ पर कि हमारे पास फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं और साथ ही हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी पुट इन बाय द स्टूडेंट है तो मान लिया जाए हम कहें कि एक टर्म में उसने स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी थी यहां मैं सब कुछ आउट ऑफ हंड्रेड ले रहा हूं ताकि वह एज ए परसेंटेज भी हम बोल सकते हैं कि उसने स्टूडेंट uh, वन ने फिफ्टी परसेंट ऑफ द अवेलेबल टाइम स्टडी किया था तो अब इस डेटा सेट में हम क्या रिलेशनशिप देख सकते हैं बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड फाइनल एग्जाम मार्क्स अगेन हम इसका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं और उसमें एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाते हैं जो कि हर पॉइंट से मिनिमम पॉसिबल एरर पर लोकेटेड है और यहाँ फिर से हम देख सकते हैं कि जो ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में एक पॉजिटिव को रखते हैं यानी कि अगर आवर्स ऑफ स्टडी स्टूडेंट ज़्यादा लगाता है तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को अगर हम यूज़ करें और अगर हम कहें कि अगर हम प्रडिक्शन करना चाहें कि एक स्टूडेंट अगर सेवेंटी फाइव आवर्स ऑफ स्टडी पुट इन करता है तो उसके कितने मार्क्स आएंगे तो ये मॉडल हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज हाई कि अगर एक स्टूडेंट सेवेंटी फाइव आवर्स ऑफ स्टडी पुट इन करता है तो उसके एट्टी मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम में तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने हमारे पास रिलेटेड डेटा सेट्स हैं कि टर्म वन में कितने मार्क्स आए थे आवर्स ऑफ स्टडी कितना डाला था ये सब बेसिस बनते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि, कि किसी स्टूडेंट के फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते कि हमारे पास किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी थी आर्ट ऑफ स्टडी कितने थे टर्म वन में मार्क्स कितने आए थे टर्म टू में कितने मार्क्स आए थे तो अगर हमारे पास ज़्यादा रिलेटेड डेटा ड़ीट पॉइंट्स हैं तो क्या हम बेटर एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट के कितने मार्क्स आएंगे तो हाँ हम कर सकते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स को यूज करते हुए अगर हम एक प्रडिक्शन मॉडल बनाना चाहते हैं तो वहां पर मशीन लर्निंग बहुत यूजफुल रहती है इसलिए मार्क्स प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे और हमारा मशीन लर्निंग मॉडल लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करेगा वो डेटा को बार बार एनालाइज करेगा और हर बार वो कोई डिफरेंट रिग्रेशन इक्वेशन ट्राई करेगा फिर वो जो उसकी प्रिडिक्शन होगी इंटरनली उसको कंपेयर करेगा जो हमने फाइनल एग्जाम मार्क्स उसको एज सैम्पल इनपुट दिए हैं और इन दोनों को कंपेयर करके वो देखेगा कि एरर कितना है और हर आइटरेशन में वो इस एरर को कम 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 करता चला जाएगा टिल इट फाइंड्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन और जब उसको ऑप्टिमल सल्यूशन मिल जाएगा तब हम उस मॉडल में किसी नए स्टूडेंट का ये सारी चीज़ें इनपुट करेंगे आर्ज ऑफ स्टडी टर्म वन टर्म टू मार्क्स अटेंडेंस और फिर वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा इस नए स्टूडेंट के लिए कि उस स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं एक फाइनल समझने वाली बात ये है कि जो हम ये मॉडल्स बना रहे हैं ये रियल लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं फॉर एग्जाम्पल मेकेजी जो एक कंसल्टिंग कंपनी है उनकी रिसर्च के हिसाब से आज के दिन मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स सक्सेस इन हायर एजुकेशन तो उनका ये जो आर्टिकल है वो बताता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ मशीन लर्निंग को यूज़ कर रही हैं और वो इस रियल डेटा के बेसिस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट की ग्रेड्स या मार्क्स जो हैं वो पुअर हैं और अटेंडेंस भी कम है तो उनके मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि क्या ये स्टूडेंट ड्रॉप आउट तो नहीं कर जाएगा या उसकी ड्रॉप आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच स्टूडेंट्स हु आर एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट यूनिवर्सिटीज़ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रही हैं ताकि वो स्टूडेंट ड्रॉप आउट ना हो एंड वैसे ही इस आर्टिकल में एग्जाम्पल्स हैं कि मशीन लर्निंग आज के दिन कैसे यूज हो रही है टू अंडरस्टैंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट और हम इस किस्म के मॉडल्स इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं यानी कि हम देख सकते हैं कि कोई अगर परफॉर्मेंस भी पुअर है और असाइनमेंट सबमिशन भी टाइम पर नहीं हो रहा है और और कई और फैक्टर्स हैं तो क्या वो स्टूडेंट एट रिस्क ऑफ सम मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है और अगर है तो क्या अगेन अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं टू हेल्प द स्टूडेंट ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो आप ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाना सीख रहे हो ये एक्चुअली बहुत यूजफुल स्किल है आज की दुनिया में जिसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बहुत हाई है नेक्स्ट वीडियो में हम पिकटो ब्लॉग्स यूज करते हुए मार्क्स प्रिडिक्शन मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सीखेंगे